का स्वागत है। और जैसा कि कल हमने तीसरा त्यौहार देखा था, वार्षिक त्यौहार तीसरा, और ऐसे चौथा त्यौहार था वो। और आज जो हम देखने चाहते हैं वो है पवित्र आत्मा को उतरना, जिसे पुराने नियम में पेंटिकोस्ट के त्यौहार के रूप में मनाया जाता था, जिसका वर्णन जो है लेवी व्यवस्था की पुस्तक 23वां अध्याय पद 15 से पद 21 तक लिखा हुआ है। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 23वां अध्याय पद 15 से, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, सो अपनी बाइबल या अपनी कॉपी पेन निकाल लें। और यहां यूं लिखा है, फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाए जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। तुम अपने घरों में से एपा के 2/10 अंश मैदे की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना, वे खमीर के साथ पकाई जाएं और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे, और उस रोटी के संग एक एक वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे और एक बछड़ा और 2 मेढ़े चढ़ाना। वे अपने अपने 7 के अन्न बलि और अर्ध समेत यहोवा के लिए होम बलि के समान चढ़ाए जाए, अर्थात वे यहोवा के लिए सुखदायी सुगंध देने वाला हव्य ठहरे। फिर पाप बलि के लिए बकरा और मेद बलि के लिए एक एक वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे चढ़ाना। तब याजक उनको पहली उपज की रोटी समेत यहोवा के सामने हिलाने के भेंट के लिए हिलाए, और इन रोटियों के संग वे 2 भेड़ के बच्चे भी हिलाए जाए, वे यहोवा के लिए पवित्र और याजक का भाग ठहरे। और तुम उसी दिन यह प्रचार करना कि आज हमारी एक पवित्र सभा होगी, और परिश्रम का कोई काम न करना, यह तुम्हारे सारे घरानों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे। और ये 50वां दिन जो है हिलाए जाने वाली प्रथम फसल के से 7वें सप्ताह तक, 7 विश्राम दिन के बाद 50वें सप्ताह में, 50वें दिन में ये त्यौहार मनाया जाए। और बाद में कलीसिया में इसी दिन पवित्र आत्मा उतरा था, जिसका वर्णन जो है प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में आया है। सो ये भेंट जो है पवित्र आत्मा के अभिषेक को बताती है, और वो कैसे आए मेरे साथ। फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट या पेंटिकोस्ट का त्यौहार, जिसका वर्णन लेवी व्यवस्था की पुस्तक 23वां अध्याय 15 आयत से 21 आयत तक, व्यवस्था विवरण 16वां अध्याय 9 से 12 आयत, और नए नियम में जो है प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में जो है इसका प्रकटीकरण हुआ, और इसके बारे में जो कुछ है वो हम पहले चित्रों के द्वारा और फिर हमारे एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। सो जैसा लिखा हुआ है लेवी व्यवस्था की पुस्तक में, कि जब प्रथम फल का त्यौहार आए, उससे 7 सप्ताह गिनना, और 7 सप्ताह मतलब 1 सप्ताह में 7 दिन, तो 49 दिन 49 डेज, और 50th डेज में जो है ये त्यौहार जो है मनाया जाए 50वें दिन। और जो है जैसा हमने देखा कि ये पवित्र आत्मा के उतरने का त्यौहार, पवित्र आत्मा के अभिषेक का त्यौहार, और उस दिन जब पतरस प्रचार कर रहा था तो करीब 3,000 यहूदी इकट्ठा थे, और इन सब पे प्रभु का आत्मा उतरा। सो ये वो त्यौहार था जो बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार था, और प्रभु ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जो है जब कैंप के बाहर जाए या कैंप के अंदर आए, तो अपनी जान के साइड में जो है एक तलवार जो है लटका कर रखे, और जो है प्रभु के वचन के अनुसार लेवियों ने किया, और
जो है ये वो त्योहार की शुरुआत थी। निर्गमन की पुस्तक में भक्ति 32वां अध्याय 27वीं आयत से और परमेश्वर के इस त्योहार को मूसा ने अपने मन में रखा और जो है कहा कि प्रभु तुम्हारे साथ जो है आगे आगे चलेगा। और जब फिरौन ने पूछा कि कौन है तुम्हारा प्रभु, तो मूसा ने कहा मेरे लोगों को जाने दो, यहोवा परमेश्वर ने ऐसा कहा है। और जब उन्होंने जो है वो जंगल में जो है मूरत की पूजा करी, तो आपको याद होगा 3000 लोग मर गए, 3000 लोग मरे। और मूसा ने कहा था कौन है परमेश्वर की ओर, वो अलग आ जाए। और करीब 3000 लोग उस दिन मरे, तो आपको याद होगा जिस दिन पतरस ने प्रचार करा तो 3000 लोग कलीसिया में जिनके ऊपर प्रभु का आत्मा उतरा। सो ये वो लोग थे। और जैसा मैंने बताया 3000 लोग उस दिन बचाए गए, और पुराने नियम में 3000 लोग जो है मार डाले गए थे। सो प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा ये बताया। और जैसा हमने देखा था फसह का त्योहार प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने को जो है बताता है और उसके रक्त को जो है बताता है जिसने हमारे पापों के लिए बलिदान दिया, हमारे पापों को छुड़ाया। ये 14 अप्रैल पहला महीना यहां वो त्योहार था। उसके बाद जो है 15 अप्रैल वो तारीख थी जब प्रभु को जो है गाड़ा गया। और जो है अखमीरी रोटी का त्योहार ये बताता था। उसके बाद कल हमने देखा था प्रथम फल का त्योहार, प्रभु यीशु मसीह जी उठे मृतकों में से 17 अप्रैल यहूदियों के अनुसार, इजराइलियों के अनुसार जो है पहले महीने का 17वां दिन। और उस दिन ईस्टर के रूप में हम इस त्योहार को मनाते हैं। और तब से 7 सप्ताह, और 7 सप्ताह मतलब 49वें दिन और 50 दिन मतलब उसके नेक्स्ट डे जो है प्रभु जो है ये पेंटिकोस्ट का त्योहार जो है। और 50वें दिन ही पवित्र आत्मा जो है लोगों पर उतरा। ये जो त्योहार है ये कटिनी का त्योहार करके भी इसको जाना जाता है, ये साप्ताहिक त्योहारों के रूप में भी जाना जाता है। और प्रथम फसल के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। और ये जो है जैसा हमने बताया कि पहले 4 जो त्योहार थे वो प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन को, और बाद के जो 3 त्योहार थे वो प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को प्रकट करते हैं। और नए नियम पवित्र आत्मा जो है करीब 3000 लोगों पर ठहरा। सो इस रीति से जिसका वर्णन जो है प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में पाया जाता है, विभिन्न प्रकार के लोग थे, विभिन्न भाषा को बोलने वाले लोग थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने काले गोरों यहूदियों गैर यहूदियों में सामरियों में कोई फर्क नहीं कर। और ये हम सब के लिए खुशखबर है कि प्रभु प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने द्वार को खोल के रखता है, किसी भी धर्म का क्यों ना हो। और यही कारण है कि हमारे पूर्वज जो थे अन्य जातियों से थे, लेकिन प्रभु की दया से जो है उन्होंने
प्रभु को पाया और हम उनकी पीढ़ियां हैं। सो दुनिया में जितने भी मसीह लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, वे सब इस कैटेगरी में आते हैं। और आज भी कई जगह पर जो है हैप्पी फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट, या जिस दिन चर्च का जन्म हुआ, कलीसिया का जन्म हुआ और 3,000 लोग जो है प्रभु में मिला दिए गए थे, और पतरस ने तो सिर्फ साधारण सी बात कही थी, सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह, सुसमाचार मतलब प्रभु यीशु मसीह का जन्म, उनकी सेवाएं, उनकी मृत्यु, उनका गाड़ा जाना, उनका जी उठना और स्वर्ग पे चला जाया जाना, ये था। लेकिन मन कौन बदल रहे थे? मन जो है परमेश्वर बदल रहे थे। सो ये हमें एक शिक्षा है कि हम प्रचार करेंगे, उद्धार का काम प्रभु करेंगे, हम आशीष दें लोगों के जो योग्य होंगे उनके ऊपर आशीष आएगी, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु जिसे अपनी सामर्थ्य दिखाना चाहेगा वो दिखाएगा, हम प्रार्थना करें, प्रभु का आत्मा जिस पर आना होगा प्रभु उसे देगा। सो ये प्रभु के हाथ में है, ये प्रभु के हाथ में, और ये पवित्र आत्मा का दान जो है, जो 2000 साल पहले प्रक्रिया शुरू हुई, वो आज भी जारी है। और जो है पवित्र आत्मा में जो है वो ज्ञान की बात, काउंसिल की बात, दया की बात, प्रभु का भय मानने वाली आत्मा, प्रभु का बुद्धि रखने वाली आत्मा, समझ रखने वाली आत्मा, और जो है आने वाली बातों के विषय में प्रभु की आत्मा। सो चर्च का जन्म इस पेंटिकोस के दिन हुआ। सो पुराने नियम में इसकी परछाई जो है बराबर मिलती रह रही, और जो है हम देखते जा रहे हैं कि पिछले 2000 साल से जो है पेंटिकोस का पर्व, पवित्र आत्मा का वरदान जो है आज भी लोगों पर प्रकट हो रहा है। और जैसा हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह फसे के दिन मारे गए, और जब वो पिता के दाहिने हाथ बैठ गए 40वें दिन अपने जी उठने के बाद, सो 40 साल तक हमने ये देखा कि प्रभु जो है अपने चेलों के द्वारा ये कार्य करता जा रहा, और प्रभु ने लोगों का बपतिस्मा अपने इस पवित्र आत्मा के द्वारा किया, और प्रभु ने चर्च बनाया, प्रभु के कलीसिया है। कलीसिया किसी संस्था की नहीं है, चर्च किसी संस्था का नहीं है। और जैसे आदम की पसली में से हवा को बनाया था, वैसे ही प्रभु के प्रसली में उस पुरुष पर दाहिने जो है उसके भाला मारा गया और उसमें से लहू और पानी निकला, लहू और पानी से उसकी साइड से ये कलीसिया बनी है। सो कलीसिया प्रभु की देह, प्रभु की देह है। और जो है पौलुस इस चीज को बताता है, और कलीसिया का उद्देश्य ये कि प्रभु के इस उद्धार की बात को सारे लोगों में फैलाए। और प्रभु ने जैसा कहा था कि मैं अपना आत्मा अंत में सब लोगों पर उड़ने लूंगा, जवान दर्शन देंगे, बुजुर्ग भविष्यवाणी करेंगे, बच्चे प्रभु की बात बोलेंगे, और ऐसा पिछले 2000 साल से होता रहा, 2000 साल से होता जा रहा। 11 लोग प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर छोड़ के गए थे, लेकिन आज 450 करोड़ से ज्यादा, 160 कंट्री से ज्यादा जो है क्रिश्चियंस लोग पाए जाते हैं सारी दुनिया में। उसके पीछे कोई और नहीं, उसके पीछे स्वयं परमेश्वर है, स्वयं परमेश्वर है। और ये पवित्र आत्मा से अभिषेक शुरू हुआ, और जो अभिषेक शुरू हुआ वो आज तक जारी है। प्रभु ने कहा था कि फसल तो तैयार है,
लेकिन काटने वाले मजदूर थोड़े पिता से निवेदन करें कि वो फसल काटने के लिए मजदूर भेजे और परिणाम 11 से 450 करोड़ तक का आज जो है लोग पाए जाते हैं। और पेंटिकोस जो है इसका मतलब जो है ग्रीक भाषा में जो है पेंटिकोस मतलब 50वां दिन। और ये जो दिन है ये चर्च के निर्माण का दिन भी कहा जाता है, बर्थ ऑफ चर्च। 2000 साल पहले जो है चर्च का निर्माण हुआ और आज 450 करोड़ से ज्यादा लोग मसीह हैं। और जो है इसका आत्मिक महत्व यह है कि प्रभु ने न सिर्फ इसराइलियों में वरन गैर इसराइली लोगों में से भी जो है अपने लिए लोगों को चुना। और पतरस ने कोई बहुत बड़ी डॉक्ट्रिन कही थी तो नहीं, पतरस किसी कॉलेज में गया था तो नहीं, पतरस का अभिषेक किसी महायाजक या याजक के द्वारा हुआ था तो नहीं, पतरस ने तो साधारण सी प्रभु की बात बताई और प्रभु ने अपना काम किया। हम सब के लिए लेसन है कि प्रभु के आत्मा के अंतर्गत चले ईमानदारी से तो बाकी का काम प्रभु करेंगे। और जैसा प्रभु स्वर्ग जाते वक्त उन्होंने कहा था कि तुम यरूशलेम में जब तक ठहरे रहना जब तक आत्मा तुम पर ना आए। और ये प्रभु के जाने के 10वें दिन ही ये पर्व जो है शुरुआत हो गई, चर्च का निर्माण हुआ, कलीसिया का निर्माण हुआ। और कलीसिया जो है एक्लेसिया शब्द से बन के आई है। और जो है वो एक्लेसिया मतलब एक जगह एकत्रित होना और प्रभु के चुने हुए। सो प्रभु का जो ये तीन महत्वपूर्ण चीज थी, प्रोविजन, रिवेलेशंस एंड पावर एंड अथॉरिटी, ये तीन महत्वपूर्ण चीज पेंटिकोस के पर्व पर जो है प्रभु का प्रगटीकरण, प्रभु का समझना और उसके बाद जो है प्रभु को ग्रहण करना। और ये फसल जो है जैसा 7वें दिन से आरंभ हुई थी, जब प्रथम फसल का त्योहार था उसके 50वें दिन ये त्योहार शुरू हुआ था। और साप्ताहिक त्योहार इसलिए क्योंकि 7 सप्ताह के बाद में 50वें दिन जो है ये जैसे ही पतरस ने प्रचार किया लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आ गई, अन्य भाषा बोलने लगे। और आपको याद होगा अन्य भाषा का जो है विस्तार जो है उत्पत्ति के पुस्तक में हम देखते हैं कि नूह जब जहाज से बाहर आया उसके बच्चे जो है पृथ्वी के चारों कोनों में फैल गए और वे टावर बनाने लगे जो है वहां पर परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डाली थी। एक प्रकार का श्राप था कि वे टावर को न बना सके, लेकिन पवित्र आत्मा इस पेंटिकोस के दिन आशीष के रूप में और इस दिन भी लोग अन्य भाषाएं बोल रहे थे, लेकिन ये एक आशीष थी। सो परमेश्वर ने उस श्राप को आशीष में बदल दिया। 3000 लोग मर गए थे, 3000 लोग कलीसिया में शुरुआत के दिन आए। पतरस ने साधारण सा प्रचार किया और प्रभु ने जीवन बदले। सो जो ये सप्ताह का दिन इसीलिए वो 7 सप्ताह के बाद 50वें दिन जो है ये पेंटिकोस का त्योहार मनाया जाए। और
जैसा हमने पढ़ा भी कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान और पवित्र आत्मा का नीचे उतरना, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पे चढ़े और उसके बाद स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतरा, ये वो दिन था, ये वो दिन था। सो जो है प्रभु ने जैसा योएल नबी के पुस्तक में कहा था, ये आनंदित हो क्योंकि मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा सब लोगों पर उंडेलू। और जो है ये भेंट जो है लेकर क्या हिलाने वाली भेंट जो है, और इस भेंट को प्रभु के आगे चढ़ाना, और जो है इस जो काउंटिंग है वो काउंटिंग 50वां दिन यहां से। सो हिलाने वाली भेंट, और जैसे पेंटी का मतलब 50, मैंने आपको बताया ग्रीक शब्द में, ग्रीक भाषा में, और प्रभु का आत्मा उतर के आ गया, वो आग जो है उतर के आ गई, लोगों के ऊपर ठहर गई, लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रभु ने उस श्राप को जो बेबीलोन में उत्पत्ति में जिसका वर्णन है, वहां श्राप के रूप में अन्य भाषा आई थी, तो पेंटिकोस के दिन वो जो है आशीष के रूप में आई, और इजरायली एक दूसरे को बधाई देते कि हैप्पी पेंटिकोस दिन, हैप्पी पेंटिकोस, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है सब लोगों पर उतरा, और पवित्र आत्मा ने कोई भेदभाव नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। और आज तक दुनिया में जितने जाति के लोग, इनको किसने बनाया, इनको प्रभु ने बनाया, और प्रभु ने एक विशेष वर्ग के लिए अपने बलिदान नहीं दिया, वरन सारे लोगों के लिए अपना बलिदान, और यही कारण था कि प्रभु ने जो है किसी काले व्यक्ति को, किसी गोरे व्यक्ति, किसी अधिकारी, किसी को स्वामी, कोई अन्य जाति, ये कहां से, ये किसके बच्चे हैं, ये सब प्रभु के बच्चे हैं। और ऐसा मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि हार्ट अटैक व्यक्तियों को चुन चुन के आता है क्या, कैंसर किसी को चुन चुन के आता है क्या, नहीं, दवाइयां क्या चुन चुन के काम करती, नहीं, जब बीमारियां और दवाइयां दोनों ये नहीं देखते कि ये किस धर्म का है, इसका रंग क्या है, इसका औधा क्या है, इसके पास पैसे हैं या नहीं है, या अमीर है गरीब है, उसी रीति से प्रभु का आत्मा भी ये फर्क नहीं करता। सो हम सब आनंदित हो, हम सब आनंदित हो कि हम प्रभु में एक है, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई काला, ना कोई गोरा, ना कोई अमीर, ना गरीब, ना कोई स्वामी, ना कोई दास, ये पवित्र आत्मा जो है सब लोगों पर आया। जैसे मैंने बताया कि पेंटिकोस का जो दिन है वो 50वां दिन, और ये जो त्योहार है ये जॉय का, आनंद का और धन्यवाद देने का त्योहार है, और इस दिन जो है इजरायली लोग जो है अपनी भेंटे प्रभु को समर्पित करते, और जो है जो पवित्र आत्मा का प्रतीक था, और सात शब्द जो है हमने देखे, सात सप्ताह जो है वो गिन करके जो है उन 50 दिन होते, 49 डेज होते, और जो है उसके बाद में जैसे ये सात सप्ताह या 7 टाइम बाइबल में कई बार आए, और ये प्रभु का अंक है, प्रभु का अंक है। सो जो है पेंटिकोस के दिन जब चेले जेरूसलम में इकट्ठा थे और पवित्र आत्मा उन पर आया, ये उनकी योग्यताओं के आधार पर नहीं हुआ, ये जो गिफ्ट है ये
किसी की कार्य प्रणाली के कारण नहीं थे, लेकिन प्रभु की प्रतिज्ञा के कारण। और चर्च का आरंभ इस दिन से हुआ था। सो सारी दुनिया में जो है ये दिन मनाए जाने लगा, और इसराइल में एक त्योहार के रूप में हर साल जो है वो मनाया जाता है। और जैसा प्रभु ने कहा कि इसमें भेंट की रोटी लेकर के आना और दो रोटी बनाना और मैदे की दो रोटी बनाना। और हमें मालूम है कि मैदा कैसे आता है, और मैदा जो है प्रभु इस मसीह के जीवन को बताता है, और दो रोटी जो है वो नए नियम और पुराने नियम को बताती है। और जो है मैदा हमको मालूम है कि कैसे एक बीज से मैदे तक की जो प्रक्रिया है वो कितनी परिश्रम वाली है, कितने कष्ट वाली है। सो ये मसीह जीवन को बताता है। और खमीर मिलाना, खमीर मिलाना, और जो हमने देखा कि खमीर पाप को बताता है, लेकिन यहां जो है वो ये कि प्रभु वचन जो है ऐसे काम करेगा कि पूरी की पूरी मानव जाति जो है खमीर के समान जो है उठ जाए, अपने आप में जो है प्रभु के लिए तैयार हो। और ऐसा हुआ भी। अब 2000 साल में इसका परिवर्तन देखें। प्रभु यीशु मसीह 11 चेलों को छोड़ के गए थे, आज 450 करोड़ लोग, 160 कंट्री से ज्यादा कंट्री जो है मसीह कंट्री है, क्रिश्चियन कंट्री है। ये कैसे हुआ? ये वो लीवन था, ये वो लीवन था, ये वो खमीर था। और जो है 7 लेम, और उसमें से जो है 2 जो है मेल बलि के लिए जो है, और 2 बकरे जो है होम बलि के लिए लेना। और जो है ये जो है इनको तेल के साथ मिलाया जाए, और वह यहोवा के लिए पवित्र और याजक का भाग है। और ये होम बलि जो है ये फ्री विल ऑफरिंग है। फ्री विल मतलब इसमें जबरदस्ती नहीं है, लेकिन लोग यदि अपनी इच्छा से परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो वो इस रीति से आए, लेकिन एक डिसिप्लिन वे में। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी इच्छा से दे रहे, जैसा हम चाहेंगे वैसा करेंगे, जैसा राजा उज्जैन ने किया था और उसको वही कोड़ फोड़ गया, ऐसा नहीं। हम आए प्रभु के पास में और उस प्रभु के डिसिप्लिन को माने। अब देखिए यहां पर जो है ब्रेड जो है प्रभु यीशु मसीह के जीवन को बताती, 7 का अंक जो है प्रभु यीशु मसीह को और त्रिएकता को बताता है, जो है बछड़े प्रभु यीशु मसीह को बताते हैं ब्लेमलेस, और 1 साल के नर और 1 जो है बैल जो है आपकी संपन्नता को बताता है, 2 अंक जो है नए नियम और पुराने नियम को बताते हैं, और जो है बकरे जो है इसराइल के अलावा अन्य जातियों को बताते हैं। बर्नट ऑफरिंग होम बलि जो है वो कंबाइन है, वो सुगंधित ऑफरिंग सुगंध को और मीट ऑफरिंग को बताती है। और जो है एक, और तुम जो है 1 वर्ष का जो है मेमना जो है पाप बलि के रूप में, और 2 मेड़े जो है पहले साल के वो जो है पीस ऑफरिंग मेल बलि के रूप में, 19वीं आयत में जैसा है। अब पीस ऑफरिंग मेल बलि जो है यहां पर जो है प्रभु यीशु मसीह को ये बताता है कि पिता और मनुष्य के बीच में सिर्फ एक बिचवाई है, और वो बिचवाई कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह। वो विश्वासियों को बताता है। मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे
जो है परमेश्वर के बेटे के लाइक। दूसरा जो ऑफरिंग था वो सीन ऑफरिंग था, पाप बलि था, और वो ये बताता था कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, और जो बलिदान है उसमें प्रभु यीशु मसीह गोट या जो मेड़े हैं, बकरे हैं, बैल या गाय है, वे अपनी जगह है, लेकिन हमारे लिए जो बलिदान हुआ वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह स्वयं का बलिदान हुआ। इसीलिए वो परफेक्ट बलिदान था। उसके बाद बलिदानों का चढ़ाना बंद हो गया, और अब कोई चढ़ाए तो वो प्रभु की इंसल्ट करता है, या इससे ये बताता है कि जो बलिदान है वो काफी नहीं, या ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से भी बढ़कर कोई और बलिदान है, जो मैं आपको बता दूं मिथ्या है, मिथ्या है। और जो है जो बच्चे हैं मेड़ों के वो पाप रहित होने को बताते हैं, और इस बात के लिए वे तैयार किए जाते हैं। और जैसे दो बच्चे लेना, दो बच्चे मतलब वो विश्वासियों को बताते हैं, वे पुराना नियम और नया नियम को बताते हैं, और जो भेड़े हैं वे प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों को बताती है। पहले साल के जो है दोष रहित वे मेड़े प्रभु के सामने हिलाने वाली भेड़ के भेंट के रूप में चढ़ाए जाए, और याजक जो है उसको जो है मेढ़े के साथ में प्रभु के सामने चढ़ाए, और याजक चढ़ाए। फिर से याजक जो है रिप्रेजेंटेटिव है हमारे प्रभु यीशु मसीह, हिलाए जाने वाली भेंट जो है वो हिलाए, वो हिलाए, वो ये कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के सामने हमारी स्थिति जो है। और इसके पहले हमने देखा था पहली फसल भी जो है प्रभु के सामने हिलाई जाए, प्रभु के सामने हिलाई जाए, वे पवित्र और वे मेड़े, मतलब वे जो प्रभु को फॉलो करते हैं, जो प्रभु के पीछे चलते हैं, वे जो है ऐसा करें। और वो ये कि इस दिन पवित्र सभा का प्रचार हो, पवित्र सभा का प्रचार हो, कि न सिर्फ भेंटे चढ़ाई जाए, न सर्फ पेंटिकोस का पर्व मनाए, वरन प्रभु की वाणी को सुनाया जाए। और यही कार्य जो है पतरस कर रहा था। पतरस खुद को नहीं मालूम था कि आज जो है पवित्र आत्मा उतरेगा, लोगों को नहीं मालूम, लेकिन वे ईमानदारी के साथ में उस जगह इकट्ठा हुए, और ये तो प्रभु का काम था कि उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतारे। किसके ऊपर उतारे प्रभु जानता है, किसका अभिषेक करे प्रभु जानता है। सो ये हम सब के लिए लेसन है कि ईमानदारी से प्रभु के पास चले, और प्रभु जानता है हमारे मनों को, एक एक के मनों को जानता है। और इस पेंटिकोस के दिन जो है दोष बलि, अन्न बलि, पाप बलि, लोगों के बलिदान, प्रथम फसल के बलिदान, ये सब जो है पवित्र, और जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ियों से पीढ़ी तक, और न्यू टेस्टामेंट में नए नियम में ये पवित्र आत्मा से बपतिस्मे का शुरुआत, कलीसिया की शुरुआत, और पुराना नियम सारे बलिदानों के साथ समाप्त हो रहा है, और नया बलिदान, नया एरा जो है प्रभु के अनुग्रह से शुरू हो रहा है। और जैसा हमने देखा पेंटिकोस मतलब 50वां दिन, पेंटी मतलब 50वां दिन, और इस समय जो है ज्वार की फसल जो है उसका अंत, और जो है गेहूं की फसल को बोया जाता था, ये वो समय था। और पुराने नियम में सुवोत करके जो है ये त्योहार मनाया जाता था, और जैसा हमने देखा कि 7 सप्ताह जो है गिन लिए गए थे प्रथम फसल के त्योहार से, और
जो है जो दो रोटियां थी वो तैयार की गई और वे जो है परमेश्वर के सामने लाई गई। और ये उन तीन त्योहारों में से एक था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर के सामने उपस्थित होना था और इसमें जो है भेंट और बलिदान चढ़ाने थे। और प्रभु यीशु मसीह भी जो है इन त्योहारों पर जब वे इस पृथ्वी पर थे वो उपस्थित होते थे यरूशलेम में। और उन तीन त्योहारों में जो है ये एक त्योहार था जो है वो ये कि प्रभु के सामने उपस्थित होना है और वो भी खाली हाथ नहीं, प्रभु को अपने इच्छा से जो है देना। और जैसा हमने देखा कि जैसे ही फसह का त्योहार समाप्त हुआ था वैसे ही जो है अखमीरी रोटी का त्योहार शुरू हो गया और लोग यहां से 50वें दिन गिन करके उसके बाद जो है फसल के उन फूलों को लाने के 50वें दिन जो है वो लेकर के आते थे। और ये फ्री विल ऑफरिंग था, ये इसमें खमीर मिलाया जाता और लोग आनंद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित होते थे। ये इसका वर्णन जो है सुलेमान के समय तक होता आया है और जो है यहेजकेल के बाद में फिर इसका वर्णन नहीं आया। सो ये त्योहार जो है इसके बाद पुराने नियम में नहीं आया लेकिन कलीसिया जो है इस दिन स्थापित हुई। तो प्रेरितों के काम का दूसरे अध्याय में जो है ये पर्व आया और पहला कुरंथियों और फिर उसके बाद में प्रेरितों के काम का 20वां अध्याय 16वीं आयत में भी पेंटिकोस का जो है वर्णन आया है। सो दोस्तों ये हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण समय है, अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से मांगे कि वो हमारी आत्मा का अभिषेक करे। जो कर्ज था प्रभु ने उसको आशीष में बदल दिया, जो 3000 लोग मरे थे उस पत्थर के फेंकने से और उस दिन पाप में फंसने से वो 3000 लोग एक ही दिन में बदल गए। सो ये हम सबको बताता है कि हम प्रभु के पास चले आए। दुआ करें, धन्यवाद देते हैं इस पेंटिकोस के पर्व के दिन जिसमें आपने कलीसिया का निर्माण किया, जिसमें आपने प्रभु लोगों का अभिषेक किया। जो लोग आपके पीछे ईमानदारी से चल रहे थे आपने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु उनके ऊपर ये बताया कि जिनका चुनाव आप करते हैं उन्हें कोई रोक नहीं सकता, जिसका अभिषेक आप करते हैं वो अभिषेक कहीं भी कोई रोक नहीं सकता। और प्रभु इसकी शुरुआत आपने जो है मूसा के समय से कर दी थी, जिसका अभिषेक आपने किया, आपने योएल के द्वारा भविष्यवाणी करी, आपने जो है बताया कि आप जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु कि आप पवित्र आत्मा को इस संसार में लेकर के आए जिसके द्वारा सारे संसार में इस बात का प्रचार हो पाया कि प्रभु यीशु मसीह पापी को बचाता है। सो प्रभु आपकी इस भव्य योजना के लिए, इस त्योहार के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Yahweh, Isa Yahweh, Ha.
May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.